Hi guys, this is NK Rao from Junior Study Channel. Don't mug up, try to build a professional analogical study. तो आपका स्वागत करते हैं जीनियर स्टडी चैनल पे जी। हाँ, खुशखबरी है RRB गुवाहाटी के लिए। आपने थंबनेल से पढ़ ही लिया होगा कि RRB गुवाहाटी का फर्स्ट पैनलिस्ट जारी हो चुका है जी। फर्स्ट पार्ट पैनलिस्ट जारी हो चुका है। यहाँ पे देखिए RRB हम गुवाहाटी की वेबसाइट पे हैं। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं CAN 2018 असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन प्रोविजनल पार्ट पैनल फॉर पोस्ट ऑफ ALP। इस पर क्लिक करिएगा तो आपको एक पेज खुलेगा। वो हमने पेज यहाँ खोल रखा है, यहाँ देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ये जो आपको जो भी ये असिस्टेंट लोको पायलट कैटेगरी 2 का है, यानी डीजल वाले का है, और कैटेगरी 1 जो है इलेक्ट्रिकल वाले का है ALPG। तो ALPG डीजल वाला है। बोला है कि ये जो ऑर्डर पैनलिस्ट बनाया गया है, मेरिट के आधार पर नहीं बनाया गया, आपको असेंडिंग ऑर्डर में, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, उसके असेंडिंग ऑर्डर में बनाया गया है जी। ठीक है ना, रोल नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में बनाया गया, यहाँ पर लिखा गया है। और इसके बाद आप यहाँ लास्ट में आइएगा तो देखिएगा कि पैनलिस्ट में टोटल कितने कैंडिडेट है जी। तो टोटल 174 कैंडिडेट है जी। ये 15 जुलाई को आपको गुवाहाटी के चेयरमैन द्वारा पब्लिश किया गया है। और उसके बाद चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या क्या लिखा गया है। और ये लिखा गया है कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज जो हुआ है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है जी। बोल रहा है नेम ऑफ फॉरवर्ड, ये बोल रहा है कि ये जो पैनलिस्ट बनाया गया है वो प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर जो नॉर्दर्न फ्रंट रेलवे मालेगांव गुवाहाटी है, उनके उनके पास ये भेजा जा रहा है। कोई भी एक्शन जो होगा, लेना होगा, वो किसके द्वारा लिया जाएगा, तो प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर जो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे मालेगांव गुवाहाटी जो है उनके द्वारा है। जो भी अभी लड़के का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, अभी होने वाला है, तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट जो भी करना है, अप्रूवल करना है, वो कौन करेगा जी? तो अब आपको नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे मालेगांव के द्वारा किया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट विल इन्फॉर्म टू इंडिविजुअली बाई नॉर्थ फ्रंटियर। और ये जो भी पैनलिस्ट बनाया गया है, बोल रहा है कि नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे मालेगांव गुवाहाटी द्वारा ही कैंडिडेट को इन्फॉर्म किया जाएगा, यानी ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा जी। सबमिटेड जो भी डिग्री वगैरह आपको सबमिट करना है, किसके द्वारा किया जाएगा? जो भी जेन्युइन कैंडिडेट है नहीं, ऑल कैंडिडेट के द्वारा किया जाएगा जी। उसका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह नॉर्थ फ्रंट रेलवे के बारे, यानी अब नॉर्थ फ्रंट रेलवे जो मालेगांव है उसके द्वारा आपका सारा काम किया जाएगा। क्योंकि पैनलिस्ट बना के RRB गुवाहाटी द्वारा दिया गया, अब यहाँ से RRB गुवाहाटी का काम खत्म होता है। और जो भी अब एक्शन लेना है तो वो कौन लेगा जी? तो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे मालेगांव द्वारा अब दिया जाएगा। उसके बाद लिखा है प्रोविजनल पार्ट पैनलिस्ट प्रिपेयर कीपिंग वैकेंसी। अभी जो वैकेंसी खाली है, प्रोविजनल पार्ट लिस्ट जारी होगा, जो भी अब्सेंट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो उसकी अभी मैंने शॉर्टली होगा, यानी अभी कुछ ही दोनों में क्या होगा जी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, वहाँ से क्या किया जाएगा, जो आपका सेकंड पैनलिस्ट है वो जारी किया जाएगा। बोला रहा है कि ये जो जारी हुआ है, जो भी ALP केवल भरे थे उन्हीं का ये जारी हुआ है, और उन सब लड़कों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो हायर प्रिफ्रेंस कैटेगरी अदर देन ALP, बोला है कि ALP के अलावा अदर देन उनकी हायर जो भी प्रिफ्रेंसेज है, जैसे टेक्नीशियन है या ALP टेक्नीशियन जो है, उनके लिए क्या होगा जी? बोला है कि डॉक्यूमेंट्स कन्फर्मेशन होने के बाद क्या किया जाएगा, उनका पैनलिस्ट बनाया जाएगा। यानी जो भी पैनलिस्ट बन रहा है अभी देखा जाए तो देखिए बोस 5 RRB का पैनलिस्ट बन चुका है। जैसे पहले सबसे पहले बना था जम्मू एंड कश्मीर का, उसके बाद आपका पटना का बना था जी, सिलीगुड़ी का बना था, मुजफ्फरपुर बना था, गुवाहाटी का बना था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये गुवाहाटी का है। तो अभी तक 5 जो भी छोटे छोटे यानी कम वैकेंसी वाले जो भी जोन थे वहाँ पे पैनलिस्ट बनना सबसे पहले स्टार्ट हो गया। अलाहाबाद में आपको पता है 10,500 लगभग लड़के हैं, वहाँ पे पैनलिस्ट अभी भी नहीं आया। अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का भाई थर्ड लिस्ट जारी हुआ है, और जो भी इन्फॉर्मेशन होता है RRB से रिलेटेड मैं उसको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही था। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय योर लाइफ। अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।